चक्का कटाया, चक्का कटाया, चक्का कटाया, चक्का कटाया उसका वेरिएशन। हाँ यही बोलो उसका वेरिएशन प्यारे दर्शकों, मैं आ चुका हूँ हर दिन का सर एक रेल यार्ड पर नहीं, आज मैंने आ गया है मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में। और आप लोग पूछेंगे इधर क्या करने आए हैं, तो ये है मेरा साउथ ईस्टर्न रेलवे का जो कि एसटीसी था, सिस्टम टेक्निकल सेंटर था, तो अभी ये हो गया मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग स्कूल। तो मैं भी इधर आया है, मैं रेल से नहीं हूँ, बाहर नहीं हूँ मतलब, तो रेल से बाहर जब नहीं हूँ तो रेल का कानूनी तौर से मैं, आप लोग जानते हैं कि मैं CNW में वर्क करता है, तो हर 10 साल के अंदर में एक रिफ्रेशर कोर्स होता है, उसी रिफ्रेशर कोर्स में मैं भी आया हूँ। तो इधर बहुत सारे टोटल खड़गपुर डिवीज़न का ही आपका इधर होता है, हर डिवीज़न में एक आपका इस तरीका के ट्रेनिंग सेंटर होंगे। तो इधर मेरा जो खड़गपुर डिवीज़न का है सब एक जगह में आते हैं और इधर ट्रेनिंग करते हैं, तो उसमें से रनिंग स्टाफ भी है और CNW भी है और बहुत सारा जितना भी ट्रेनिंग इधर से होता है। तो नया हमारे जो CNW को जो सुपरवाइजर लोग भी होंगे तो वो लोग भी आते हैं, नया जो फिटर लोग होता है मतलब टेक्नीशियन लोग भी होता है। तो रिफ्रेशर कोर्स में क्या हो सकता है, तो देखिए रिफ्रेशर कोर्स में जब लोग कोई जगह में काम करता है तो उस जगह में जो कि काम करते हुए कुछ डिसिप्लिनरी जो डिसिप्लिन का कुछ ये गलत होता है होंगे या तो भूल जाते हैं, तो रिफ्रेशर को पहला बात हो डिसिप्लिन माननी पड़ेगा, टाइम टू टाइम आना है, इसको फिर से एक बार दोहराना इतना दिन से जो दोहराया है, और उसके बाद में जो आप लोग जो जहाँ काम करते हैं कोई कैरेज से है मतलब सवारी डब्बे से कोई माल गाड़ी से मतलब दोनों मिला के ही मेरा CNW है, तो उसमें क्या है एक जगह सब आने से बातचीत भी होता है कहाँ का काम किस तरीका से, नया कुछ आया होगा तो वो भी हम लोग एक जगह में बैठ के बातचीत करते हैं, किसका कुछ प्रॉब्लम होने से भी ये बात होता है। तो कुछ दिन के लिए मैं 20 तारीख का आया हूँ और मैं 1 तारीख तक इसी इसमें रहेंगे और हो सकता है आप लोग मुझे पहचानते होंगे। तो मेरा चैनल रेलवे मैकेनिकल इन्फो में आप सभी को स्वागत है, तो आप सब आइए मुलाकात करिए, और मैं रिफ्रेशर कोर्स में आए हैं और मैं पढ़ाएंगे या तो पढ़ के जाएंगे वो मुझे पता नहीं, आप लोग अंदर में जाके चल के दिखाएंगे। तो इधर हॉस्टल है जो ट्रेनिंग लोग आते हैं, इधर रहने का जगह होता है, मेस है, खाने पीने का जगह भी है, सिस्टम सभी बना हुआ। आगे देखिए जमाना पलट रहा है, तो साथ साथ भी जहाँ की आगे सिस्टम टेक्निकल स्कूल था उसको स्कूल नहीं ट्रेनिंग सेंटर था, तो उसको अभी फिर से कुछ डिसिप्लिनरी और कुछ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाया गया है जोनल का हिसाब से। तो बदलते हुए दुनिया में हम भी बदलते हैं, आप भी बदलते हैं, तो चलिए देखते हैं अब इसके बाद में जो भी है मेरा जहाँ जहाँ का स्टाफ लोग आए उन लोगों से भी हो सकता है मैं मुलाकात कर सकता है। ये देखिए यही एक टाइम में सिस्टम टेक्निकल सेंटर था जो कि इसका नाम बदल गया दक्षिण पूर्व रेल का बहु विषयक क्षेत्रीय परीक्षण संस्थान खड़गपुर यांत्रिक साउथ ईस्टर्न रेलवे मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खड़गपुर मैकेनिकल, ठीक है। तो इसमें ये बाहर गेट है, ये गेट आपका 9 बजे फर्स्ट हाफ में बंद हो जाएंगे, उसके बाद में डिसिप्लिन इसमें बहुत ही कड़ाकड़ी है, और इधर आपको 12 बजे छोड़ेंगे आपको लंच टाइम, उसके बाद में फिर से आपको 2 बजे आना है, फिर से आपको 5-5:30 बजे इधर से जाना है। तो अंदर में एरिया जो देख रहे प्रोहिबिटेड एरिया है, तो इधर जिसका अथॉरिटी है वही आएंगे जाएंगे, तो मैं जाएंगे क्योंकि मैं तो इनके अंडर में अभी खड़गपुर रेल स्टेशन में मैं नहीं हूँ, उसीलिए रेल इधर भी कुछ
आप लोगों को मैं कोशिश करेंगे इस ट्रेनिंग स्कूल में भी कुछ आप लोगों को सीखने का मिलेगा, तो वो जो सीखने का मिलेगा मैं कोशिश करूँगा दिखाने के लिए, और ट्रेनिंग स्कूल में हो सकता मैं पढ़ाऊँ या तो मैं पढ़ूँ जो भी। मैं अपना बाइक अभी साइकिल स्टैंड में रख दिया जहाँ कि इधर सिस्टम बना हुआ है ऐसी, और ये देखिए इन साइड में मैं घुस गया। ठीक 9 बजे इधर प्रेयर होता है, उस प्रेयर में अटेंड करना जरूरी है, और 9 बजे के बाद में इधर घुसने से डांट मिलेंगे, तो डिसिप्लिन तो मानना ही पड़ेगा ना। तो चलिए अंदर जाके देखेंगे कौन सा रूम में बैठ रहे हैं, क्या कहते हैं। एकदम जो मेन गेट है, गेट में भी एंट्री कर रहे हैं। सब रिफ्रेशर कोर्स में सब CNW ही है, बाहर का कोई नहीं है, तो बहुत सारे जगह से आए हैं। खड़गपुर डिवीजन का ही है, और टाटा से आए, हटिया से आए, रांची से आए हैं, आद्रा से आए हैं, ठीक है ना। तो ये हमारा जो टीम है रिफ्रेशर कोर्स में, और हम लोगों ने खड़गपुर से है, तो सब मेरा देखिए भाई साहब, तो हमारे ये जो मल्टी डिसिप्लिनरी जोनल ट्रेनिंग स्कूल का ये हम लोग आज इस रूम में कुछ पार्ट करेंगे, और हो सकता है मेरा यही लास्ट है, क्योंकि मैं तो 10 साल बाद में आए हैं, और ये लोग शायद और एक बार आ सकते हैं, क्योंकि जिसका नौकरी है ठीक है ना, तो उनको आना ही पड़ेगा है ना। तो कौन कौन ज़्यादा नौकरी है, 10 साल करीब है, हाँ ये सब आएंगे, फिर से आएंगे, लेकिन मुझे इधर और नहीं मिलेंगे, मेरा इधर से बाय बाय हो जाएगा। 2025 नवंबर मैं रेल से बाय बाय लेंगे। तो बनाना पड़ेगा एमआर से जो बनाएगा तो कैसे बनाएगा, कोई एक तो डिवाइस तो होना चाहिए। तो जब मेरा एमआर जो है 7.5 मेरा जो 7.55 आ गया, ये जो बार है ये मैक्सिमम 10 तक होता है, लेकिन ये कितना भी होगा उसको क्या क्या ये एमआर पाइप आया, इधर पूरा इधर आपको ओपन रहेगा, इधर एक पिन देखा जाएगा जो कि ये वाला पिन जो दिख रहा है वो दिखेगा, और इधर जो है ब्रेक कैलिपर का ये जो है नट बोल्ट एडजस्टमेंट के लिए, अगर ये ब्रेक ब्लॉक और इसके अंदर में गैप को बढ़ाना कमाना होता है तो 27mm का ये है आपका एडजस्टमेंट नट, इसको आपको क्लॉक वाइज घुमाने से क्या होगा, ठीक है। और मेरा ये देखिए सिलेंडर है, ये सिलेंडर कितना का है, कितना इंच है, तो एमएम में कितना इंच है, 10 इंच है, 10 इंच एमएम में पड़ेगा, आईसीएम में कितना है, 8 इंच, 203 एमएम, और बाकी मोटा मोटी मैं तो आप लोगों को इधर से इधर इवन ये व्हील कहाँ बैठा हुआ, व्हील कहाँ बैठा है, एक्सेल टू एक्सेल नहीं है, इधर से लेकर उधर 1600
हाँ यही बोलो कि उसका वेरिएशन कितना है इधर से लेकर उधर तक। किसी किसी की याद है कुछ? पाँच एम एम 2560 है ये देखो एक एक्सेल में जो व्हील का जो मेरा डिस्टेंस है ये 1600 और एक एक्सेल से एक एक्सेल जो है ठीक है कितना 2560 है और ये बोगी का ये जो लेंथ है अब याद नहीं है सर वो सब 4300 ये जो है ये बोगी का जो वाट कितना है 32 वाट कितना है 32 ये बोगी का 3230 क्या ये इधर थोड़ा ज्यादा होगा उधर थोड़ा कम होगा तो वो क्या होगा ये तो उसको या तो इधर आपका कुछ प्रॉब्लम आया हो ये ब्रेक हैंडल आपका कन्वेंशनल लोकोमोटिव के सरीगे ये भी अप्लाई कर सकते हैं जबकि आपका रीजनरेटिव और ईपी यूनिट के ब्रेक फेल होने से ये ब्रेक आपको अप्लाई करना पड़ता है। इस पैनल बोर्ड में करंट का वोल्ट मीटर लगा हुआ है, कैब लाइट, स्पॉट लाइट और एंट्री लाइट ये सब के बारे में इस पैनल बोर्ड में दिया गया। ये टायरों का हैंडल रहता है, इसमें बैटरी लगा दिया और गाड़ी को आगे करना है तो अभी पार्किंग का ये होल्डिंग ब्रेक सब टूट गया, मेरा एक्सीडेंट करेगा जो मेरा ब्रेक सब रेडी हो गया, मैं गाड़ी को एक्सीडेंट करेगा ये जैसे सामने तक ब्रेक ले लिया ठीक है, मतलब करंट को उसमें डालना गाड़ी एक्सीडेंट हो गया। अब देखा कि मुझे गाड़ी का एक्सीडेंट है, हैंडल को ब्रेक में ले गया है, इधर 0 पॉइंट ठीक है, इधर 0 पॉइंट। इस 0 पॉइंट में जब आएगा ना कोई करंट का कोई बात है ना कुछ है, मेरा गाड़ी दो स्पीड में जा रहा है, लेकिन स्पीड में जा रहा वो क्या जो स्पीड में जा रहा स्पीड बढ़ेगा नहीं, लेकिन क्या वैसे ही चलते रहेगा नहीं, वो आस्ते 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 वो रीजनरेटिव ब्रेक मतलब आपका डायनामिक ब्रेक काम करना शुरू कर दे, मोटर का जो घूमने का एक होता ना तो मोटर नहीं घूम रहा तो क्या करता है, तो
पावर जनरेट कौन करता है? भगवान क्योंकि बिना पावर से वो कुछ चलेगा नहीं, तो
मटर का तो कट गया। पावर जनरेट करके वो किसको देना है? चलो चलो चादर भी थोड़ा मोटा, अभी गर्मी टाइम में सब क्या कम्बल लोग तो सब बहुत दूर रहता है, पास में चादर रहता है, नॉर्मल चादर बिछाते हैं हम लोग अभी घर में। उसका ऑक्सीजन सप्लाई रोकना, जल्दी होता है, बेडशीट पानी में पहले भिजाइए, बेडशीट पानी में भिजा के इसको कवर कीजिए। आपको ये करना है कि ऑक्सीजन का जो इसके साथ कनेक्ट है उसको आपको हटाना है, ऑक्सीजन का कनेक्ट जहाँ हट गया पानी में पहले कपड़ा तो भिजा दीजिए, उसका बाद पानी दे लिए, लेकिन पहले पानी मत डालिए, अपना देने का बाद अगर कपड़ा डालने का प्रोसेस है ऐसा, कपड़ा डालिएगा तो आपका हाथ जल जाए। ऐसा पकड़ने का बाद आप इसको ऊपर से एकदम नीचे तक कवर कीजिए, उसका बाद ऐसा कीजिए आगे पूछिए। कमल भिंगाना तो काम है, जरूर है कमल भिंगाना का जरूरत है। देखिए हमेशा एक्स्ट्रा सेफ्टी दीजिए, ऐसा हो जाएगा लेकिन आप भिजा के कीजिए, भिजने से इसमें आगे भीगने से टाइम लगेगा, शुक्र ऑक्सीजन का कॉन्टेक्ट है ना, जल्दी देख रहे वीडियो बंद कर रहे थे, बंद नहीं हुआ, आग लगा करके दिखाएगा थोड़ा। आपको आग के सामने का जरूरत, जाने का भी जरूरत नहीं, ना भिजाने का जरूरत, ये भी एक गिर जाएगा तो क्या होगा, फिर उठाइए, गिरने से आपको थोड़ी प्रॉब्लम लगाएगा आग भाई। अरे तो बैग हटाना होता है, देख किसी को दे पकड़ा, पकड़ा ना, हाँ आराम से करो। इसमें क्या होगा कि अगर सिलेंडर हम लेके जाएंगे तो क्या प्रॉब्लम है, करने का क्या बस खाली डर को हटाना, ठीक है। अगर आपका पास बाकेट है, प्लास्टिक का बाकेट है, इसको उसमें भी अगर ढक दीजिएगा घर से, आ रहे आ रहे, अच्छा चीज़ है, घर से हमें जानकारी देना चाहिए सर, क्योंकि ये सब बहुत हो रहा है आजकल, गर्म से सिलेंडर में लीकेज होकर फट जा रहा है, इस समय लेडीज महिला माँ बहन लेडीज सर क्या करेगा। गुड यार, बहुत अच्छा, गुड बढ़िया है, करने का कोई नहीं, सिलेंडर मांगने लगे पहले बाइक ये जो गैप है ना, उसमें आग नहीं, गैप में आग नहीं है, जब तक ऑक्सीजन का ही नहीं आएगा तब तक ये कुछ काम नहीं है, यहाँ से ठीक है, डायरेक्ट में दवा देंगे, ठीक है, नहीं तो फिर मुंह में आ जाएगा तो फिर लेने का देने पड़ जाएगा, नीचे गिरा दीजिए, ऊपर से आप
बना दिया, मैं डाल दूंगा। अमन बना रहे हो ना, ग्रुप में डालना। लाइटर चाहिए क्या? ये हुआ, ऑक्सीजन काट हो गया बस, और कुछ नहीं। ठीक है, तो आप लोग सब आए हैं रिफ्रेशर कोर्स में, तो रिफ्रेश हुआ है। आज 14 दिन करीब हम लोग हो गया इधर, 2 हफ्ता के लिए आए थे, तो आप लोग रिफ्रेश हुआ है। अच्छा, तो आप लोगों को मज़ा मिला? पढ़ाई उड़ाई कैसी लगा? बहुत अच्छा लगा। तो कोई बोल रहा था कि ऑनलाइन में करने से अच्छा होगा ना, ये अच्छा होगा, ये अच्छा हुआ। ठीक है, और हमारा साथ में जो क्लास हुआ है वो कैसे लगा आप लोगों को? तो हम लोग तो कल हम लोग चले जाएंगे इधर से, उसके बाद में याद आएगा। तो आप लोग कुछ बोलने मांगेंगे? कुछ एक मिनट के लिए कुछ बोलने मांगेंगे, कैसी है आप लोग एक्सपीरियंस हुआ? ठीक है, हम लोग तो फिर कल हम लोग चले जाएंगे अपना अपना घर में, इसके बाद में हम लोग ग्रुप में रहेंगे। ठीक है, कोई भी किसी का प्रॉब्लम होगा ग्रुप में बोलिएगा, और मेरा साथ में जुड़ा रहिएगा, तो हो सकता खराब भी होगा अच्छा भी हो सकता। क्या खराब हो सकता? नहीं, खराब भी हो सकता। चलो ठीक है, ओके। हमारे लिए एक संपत्ति है, और मैंने ये कहूँगा दत्तदा से, रिक्वेस्ट करूँगा कि ऐसा ही कम से कम हमारा बैच में कुछ वीडियो देते रहे, या वीडियो ना हो तो कम से कम ऐसे ही लेते रहे, कम से कम फोटो वोटो दे करके बस। और इसके लिए इन लोग तो आपका साथ और नहीं आएगा, इन लोग अपने तरफ से तो आपके लिए आप दो ठीक। सब अच्छा से रहो, ये आप लोग का ये गिफ्ट नहीं है, मेरा प्यार, ये प्यार मुझे से रहो। कहाँ गया ये मिस्टर, सबको बांटो, कहाँ गया? आए ना, बोले सामने आना, सामने आ हो गया, पेन सब दीजिए, पेन मेरा लाइएगा, बांट दे रहा, खिलाएंगे सबको भी मिठाई खिलाएंगे। पेन लाए थे नहीं, वहाँ रखा था ना मेरा भी पेन, दे दिया, दे दिया, सब दे दिया, सबको पेन। तुम असली चीज तो तुम दे रहे हो, असली बात तो तुम ही है, हीरो इधर का है। ठीक है, जब तक मिठाई ये मुझे प्यार स्वीकार हुआ, छुला छुला ठीक है, वेरी गुड।
उसमें आपका कोई क्योंकि ये हमारा जो है ना ये हमारा एम्यूजमेंट वाला एंटरटेनमेंट वाला कुछ भेजना चाहते हैं। हाँ वो ऐसे नहीं कि अभी आप एक मिनट सर इधर थे तो उसमें कोई एक मिनट दो था यहाँ जब तक थे रेस्ट्रिक्शन था सब हम लोग का कैटेगरी का है। ये बात है कि हम एक रेस्ट्रिक्शन में हूँ वो एक तो कमेंट जो भी है हमको ये था लेकिन अभी आपसे ही मैं ले रहा है कि वो एक मिनट एकदम हंसेंगे 100% हंसना रोना देखो देखो सबको देखो रोना हंसना ये बहुत बड़ी बात है। आप मिठाई सब कोई खा लीजिए सब कोई मिठाई आप लोग सब कोई मिठाई लीजिए आगे बढ़ा दीजिए उन लोगों को दीजिए सब कोई ताजा एकदम खानो मीठा सर जो जो फोटो लिया है सबको ग्रुप में सेंड कर देंगे रिक्वेस्ट है आप लोग से वहाँ दे दीजिए बढ़ा दीजिए ना वहाँ भी दे दीजिए सबको दे दीजिए।